हमारी शादी होती है ना, तो शुरू शुरू में टाइम एकदम मतलब कि गाड़ी चलती जैसी गाड़ी जैसी बीतने लगती है, समय का पता नहीं चलता। शुरू के एक दो साल कैसे बीत जाते हैं वो भी पता नहीं चलता, क्योंकि शुरू शुरू में हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, तब झगड़े भी कम होते हैं। पर धीरे धीरे जब सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाता है ना, तब शुरू होती है असली मामला, तब शुरू होता है असलियत का सामना, यानी कि बच्चे हो जाना, काम का प्रेशर, बीवी की खिटपिट, बीवी से सेक्स चाहो तो वो नहीं देती, उल्टा मुंह करके सो जाती है, काम का प्रेशर होता है, वही घर, वही शेड्यूल, वही सारी चीजें, वही बेड और वही बीवी। इच्छा तो होती है बट मन उब गया है, उम्र भी बिल्कुल ज्यादा नहीं हुई है, हो सकता है किसी ने 30 तक क्रॉस नहीं किया हो। अब इस हालात में करे तो करे क्या? मेरे इस बात से बहुत लोग सहमत है, बहुत लोग की जिंदगी में ऐसा हो रहा है या फिर वो फेस कर चुके हैं। तो ये बात करते हैं कि इस बोर्डम को कैसे हटाएं, क्योंकि मेरी शादी को सिर्फ 5-6 साल ही हुए हैं, पर मैंने इस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। एंड सच बताऊं बहुत इफेक्टिव है। अगर आप मन से करो, अगर आप चाहो कि अपने इस घिसी पिटी बोरिंग सी लाइफ को थोड़ा सा नो पटरी पे लाने के, सबसे पहली जो चीजें होती है ना वो है सिमिलरिटी को मेंटेन करो, यानी कि ऐसे वेव में मत चलो। शुरू में एकदम हाई पे पहुंच गए, शुरू शुरू में इतना 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 इतनी बार, एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 बार तक लोग करते हैं शुरू शुरू में जब नई नई शादी होती है। पर शादी के ठीक 2-3 साल बाद फिर पता चलने लगता है कि जिनके साथ हम 5-5 बार कर रहे थे, अब वो 5-5 दिन में एक बार नहीं दे रही है। तो हमें शुरू से ही एक लगातार इंटरेस्ट को मेंटेन करनी चाहिए। अंडरस्टैंड, जिन्होंने 15 साल वेट किए हैं इस सिचुएशन के लिए, उनके लिए शुरू में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। पर मेरे हिसाब से अगर आप कंट्रोल ना भी कर सको तो एटलीस्ट टाइम के साथ साथ अपने आप को मेंटेन करना शुरू करो। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं कि हम इसको मेंटेन करें कैसे। शुरू शुरू में हनीमून वगैरह जाना, जब तक बच्चे नहीं होते तब यहाँ जाना वहाँ जाना, इसके घर उसके घर, या फिर यहाँ इन्विटेशन हो रही है यहाँ घूमने जाने हैं, शुरू शुरू में ये सारी चीज़ें ना बहुत कॉमन होती है, क्योंकि ये हम एक्साइट करते हैं और अच्छा भी लगता है। बट समय बीतने साथ साथ हम ये सब भी बंद कर देते हैं। तो एक ही बेड पे वही टच के साथ, यानी कि हमारी बॉडी जिससे यूज टू है, हमें कैसे एक्साइटमेंट फील करवाएंगी। तो हमें नई नई चीज़ों को ट्राई करनी चाहिए, यानी कि बेड से हमें थोड़ा स्विच करना चाहिए सोफे पे, हाँ सोफे पे स्विच करना चाहिए। वो सोफा भी बड़ा होना चाहिए ताकि आप इस पर आराम से लेट सको या बैठ सको, या फिर आप टेबल पे स्विच कर सकते हो, पोजीशंस को चेंज कर सकते हो एंड प्लेस को चेंज करो, यानी कि कहीं थोड़ा आउटडोर जाओ। फर्स्ट टाइम हनीमून मनाए हैं तो क्या हुआ, सेकंड टाइम भी मना सकते हो, अपने बच्चे को लेके भी हनीमून मना सकते हो। बट ये सारी एक्सपेरिमेंट इंसान को करनी चाहिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत दूर चले जाओ, अपने बजट से बाहर चले जाओ, अपने बजट के, यानी कि जो इंसान जैसा कमाता है, जिसकी जैसी लाइफस्टाइल है, उसके हिसाब से उसे थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। यानी कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो आप लोग बहुत लोग जानते हैं, मेरे ब्लॉग चैनल में मैंने शेयर भी किया था कि मैं कुछ दिनों पहले ही दीघा घूम के आई हूँ। दीघा हमारे घर से 400 किलोमीटर दूर है, सॉरी हाँ 400 किलोमीटर दूर है। तो इतना छोटी छोटी जगह पे, आसपास जगह पे जाओ, थोड़ा सा ट्रिप वगैरह करो, इससे एक्साइटमेंट बनी रहती है, क्योंकि नए जगह पे जाके ना कुछ करने का मजा भी थोड़ा सा अलग होता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर भी इससे ही रिलेटेड है, वो क्या, शुरू शुरू में हम एक दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे रहते थे, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लाना, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देना। तुम्हें शादी से पहले उसके नेल पॉलिश बहुत अच्छा लगता था, उसके बाल बहुत अच्छे लगते थे, या फिर वो तुम्हें काफ़ी पसंद आती थी, अब वो वैसी बिल्कुल नहीं है, वो बदल गई है, वो बदल गई है, आप भी तो बदल गए हो। आपका पहले बिल्कुल भी पेट नहीं था, अब इतना बड़ा 9 महीने का पेट आपका खुद का निकल आया है, या फिर हो सकता है कि वो उस छोटे से बच्चे के लिए अपने नाखून का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, यानी कि नाखून को उसको काटना पड़ेगा, या फिर वो अपने बालों पे इतना ध्यान नहीं दे पाती थी, जो पहले एकदम ऐसे लगता था ना कि पॉलिश्ड है सब कुछ, अब हो सकता है कि घर के झंझट से वो अब नहीं कर पाती। बट आप भी तो उसे नहीं बोलते हो ना कि वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया करे, आप भी फोकस नहीं करते, वो भी सोचती है कि मेरे हस्बैंड का मुझ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो ध्यान नहीं देती, वो खुद भी नहीं करती। अगर आप उसे थोड़ा बोलोगे कि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है, तुम ऐसे रहा करो, तो वो उस पे ध्यान ज़रूर देगी और आपकी लाइफ पूरी घिसी पिटी हो जाने से बच जाएगी धीरे धीरे, और ये आपके बेड पे भी नहीं छलकेगा। क्योंकि ये बेड वाला जो चैप्टर है ना, वो हमारे यहाँ से कनेक्ट होके फिर वहाँ तक पहुँचता है। तो यहाँ अगर आप दोनों अच्छे से कनेक्ट नहीं होंगे तो बेड भी
एक जुड़े हुए होकर भी इंडिविजुअल रहेगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए जरूरी होता है, तो आप मिस्ट्रेस कंपनी का बोल्ड फॉर मैन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफेद मुसली। सफेद मुसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर वन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और नेचुरली अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आपके बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जिनाइन होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इम्प्रूव करने के लिए तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। काम का प्रेशर बढ़ गया है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, हो सकता है फाइनेंशियल डीलिंग में प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सारी चीजें ना आपके सेक्स लाइफ में अफेक्ट करती है। जैसे कि जबरदस्ती, यानी कि आपका इच्छा है बट कहीं ना कहीं आप अंदर से ना प्रॉब्लम में हो, मन नहीं है बट आपको करना है, आपने कोई मूवी देख ली, जबरदस्ती ब्लड फ्लो नहीं होता, तनाव ही नहीं आएगा, इरेक्शन ही नहीं होगा, फिर आप कुछ कर भी नहीं पाओगे और आपका मूड खराब होगा। तो मेरा एक सलाह मानो, जो कि मैं अब हमेशा अपने हस्बैंड को भी कहती हूँ, कि काम को हमेशा घर से बाहर रखो, घर के अंदर घर के माहौल ही होने चाहिए। इन सारी चीज़ों का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ऑफिस का काम या बाहर का काम, अपने बिजनेस का काम ना बेडरूम में लेके चले आते हैं, इनसे उनको काफ़ी दिक्कतें होती है, यानी कि वो उनकी फिर पर्सनल लाइफ को ये स्पॉइल करता है। तो काम के झंझट को बाहर ही रखो, जब बेडरूम में घुसते हो ना तो बेडरूम में सिर्फ जो कपल की है उसके बारे में बात होनी चाहिए, उन दोनों पे डिस्कस करना चाहिए, या फिर थोड़ा हल्का पुल्का आप दोनों डिस्कस कर सकते हो, हल्की पुल्की अपने काम शेड्यूल अपने डेली लाइफ के बारे में, पर वो इतना भी हावी नहीं होना चाहिए कि आपके सेक्स मोड को ख़राब कर दे। और एक आखिरी बात मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी कहने को, कि कुछ लोग कहते हैं ना कि बच्चे हो गए हैं, अब तो हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब तो बच्चे की शादी करवानी है, उनके लिए सेविंग्स करनी है। अपने आप को हमेशा जवान फील करो। मैं अभी जिस उम्र की हूँ, 6 साल पहले मैं जिस सोच के साथ जीती थी ना, 8-6 साल बाद भी मैं उसी सोच के साथ जीती हूँ। और समय ढलने के साथ सभी बूढ़े होने लगते हैं, बट सोच में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आप सोचो मत कि आप बूढ़े हो चुके हो, आप ये सोचो कि आपको अभी और जवान अपने आप को बनाए रखना है। आपने तो अभी भी शादी की है, जिस चीज़ के लिए आप 15 साल वेट कर चुके हो, उस फिर 15 महीने में उस चीज़ को आप ख़राब कर दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है। लोग 60 साल की उम्र में भी भरपूर सेक्स लाइफ जीते हैं, तो फिर आप सिर्फ 30 की उम्र में कैसे इस चीज़ को बर्बाद कर सकते हो भाई। और एक और बात का ध्यान ज़रूर रखना, पैसे के लिए आप अगर किसी औरत के पास जाने का सोचते हो या सोचोगे या सोच रहे हो, तो उस औरत के पास भी वही चीज़ है जो आपकी वाइफ के पास है। कुछ फ़र्क है क्या? कुछ फ़र्क नहीं होता, सिर्फ कुछ रंग का फ़र्क हो सकता है, साइज़ का फ़र्क हो सकता है, या फिर फ़र्क सिर्फ बॉडी का है, बट ऑर्गन्स तो सारे सेम हैं। फ़र्क बहुत बड़ा जो होता है ना, वो है मेंटालिटी का और परफॉर्मेंस का, और किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं होता, बाकी सभी सेम है। अगर आप अपनी वाइफ को एक्साइट करते हो, उसको अगर हमेशा तरसाते हो ना, तो वो भी तरस ज़रूर जाएगी, इस पे ध्यान ज़रूर रखना। और यही चीज़ें आपकी इंटीमेट लाइफ को बोर होने से बचा सकती है, अदरवाइज़ किसी भी चीज़ आपकी लाइफ को नहीं बचा सकती। क्योंकि अगर आप बाहर भी एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तब भी आपको एक औरत से मन नहीं भरेगा, तब भी आप इधर उधर करते ही रहोगे, इससे अल्टीमेट कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करो ताकि और भी लोगों के पास वीडियो पहुँचे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, वेबसाइट पे मेरी विजिट करना चाहते हो, और भी चैनल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डाली गई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको मुझे कुछ भी बोलना है तो मेल भी कर सकते हो। थैंक यू।